नमस्कार, जय श्री हिंदी में आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की। आखिर ये हनी ट्रैप है क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ हनी ट्रैप मामले में बड़े बड़े अफसरों और पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट प्रमोद सक्सेना जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से हनी ट्रैप को अंजाम दिया जाता है और समाज में इसका किस तरह से असर होता है और आखिर ये जो मामला है इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। देखिए श्रीकांत जी, ये एक सीधा सीधा रिश्वतखोरी और ब्लैकमेलिंग का जो एक रूप है वही है। जैसे रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी रिश्वत खोरी चलती है और रिश्वत देते हुए वीडियोस बना लिए जाते हैं और उन वीडियोस को दिखाकर फिर उन अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे वो काम जिसके लिए कि वो जिम्मेदार है रोकने के, वो काम उनसे करवाए जाते हैं। वैसा ही ये कुछ मामला मान लीजिए हनी ट्रैप इसको नाम दे दिया गया है, लेकिन ऐसा है कि जैसे नैतिक भी जिम्मेदारी होती है, मॉरल, दो तरीके के अपराध होते हैं, नैतिक अपराध होते हैं और बाकी के आर्थिक अपराध होते हैं। किसी महिला का उपयोग करता है या कोई महिला जाके किसी से अपने संबंध बना लेती है, फिर उनके वीडियोस वायरल करने की धमकी दी जाती है, रोज रोज की आजकल किस्से हो गए हैं। इस मामले में जब बड़े अधिकारी या नेता फंस जाते हैं तो उनको पहले तो उनसे अंतरंग संबंध बनाए जाते हैं और फिर उनको वो वीडियो पूरी योजना के साथ दिखाकर उनसे वो काम कराया जाता है जो एक रिश्वतखोर व्यक्ति मजबूरी में करता है। यानी जिस पैसे का या जिस राशि का या जिन कामों को करने के लिए वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसके बजाय वो ब्लैकमेल होकर या डर कर या लालच में ऐसे काम करते हैं जिनसे कि जनता को नुकसान होता है। तो ये एक रिश्वतखोरी का एक रूप है जिसमें कि अधिकारियों और नेताओं को फंसाया जाता है। प्रमोद जी, कहाँ से ये हनी ट्रैप की शुरुआत हुई, कैसे और इनका जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है इसमें? देखिए, बहुत बड़े बड़े मामले आए हैं, कई मामले चूंकि अदालतों में हैं इसलिए उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा होगा पिछले 10-12 साल पहले राडिया टैप्स का मामला उठा, इसमें कुछ इसी तरीके के मामले थे कि बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि सरकार को प्रभावित करके मिनिस्टर्स और अधिकारियों की पोस्टिंग तक के लिए इन सब जो अनैतिक कृत्य हैं और ये जो षड्यंत्रकारी जो काम होते हैं इनका उपयोग किया जाता है तरीकों का। ऐसा ही ये मामला है, अब इसकी परतें खुलनी चाहिए क्योंकि जो महिलाएँ पकड़ी गई हैं अभी लेटेस्ट जो है ट्रिप का मामला है, इनके पास आरडीज हैं, मर्सिडीज हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के बैंक बैलेंस इनके हैं, इनके पास बैंगलोर हैं और ये एनजीओ का काम करती हैं सब। अब एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको प्रमोशन के लिए सरकार पैसे देती है कि जनता के हित में या गरीबों के हित में काम करें, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये उन अधिकारियों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपयों का हेर फेर कर रहे हैं। अब किसी साधारण अधिकारी की अगर आप रेट पड़ती है और उसके आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसके खिलाफ मामला बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन अधिकारियों ने इनको ये पैसे दिए, जिन जिम्मेदार लोगों ने इनको ये पैसे दिए जिनसे ये मर्सिडीज और ऑडीज और बैंक बैलेंस खरीदे, इनके तो है नहीं अगर ये आरोप है, फिर ये किनके हैं? उनके हैं ना जो लोग ब्लैकमेल हो रहे थे और उनने अपनी जेब से तो पैसा दिया नहीं, वो पैसा किसका है? वो पैसा जनता का ही है जो जनता के लिए था, तो वो लोग इनडायरेक्टली सीधे सीधे बेईमानी के, रिश्वतखोरी के, अय्याशी के, अनैतिकता के जिम्मेदार लोग हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित तौर पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी भी तरह के लाभ को अर्जित करना अपराध माना गया है, किसी भी तरह के उस काम को किसी लालच में या रिश्वतखोरी के प्रभाव में करना जो कि जनहित में नहीं है और अवैध तरीके से धन कमाना, ये सारी बातें अपराध हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सीधा सीधा मामला है। जिन भी अधिकारियों के नाम इसमें हैं जिनको ब्लैकमेल करके इन्होंने ये पैसा कमाया है, उन अधिकारियों को भी पब्लिक के सामने नंगा किया जाना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मामला चलाया जाना चाहिए, उनको सीखचों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में जो लोग अभी पकड़ाए हैं वो तो आरोपी हैं ही, लेकिन जो लोग इस काम में इन्वॉल्व थे या जो बड़े बड़े अफसर, जो पूर्व मंत्रियों के नाम इसमें अभी हालांकि उजागर नहीं हुए हैं,
वो इसमें भी आरोपी हो और उन पर भी कड़ी सजा हो, यह कहना है हमारे सीनियर लॉयर प्रमोद सक्सेना जी का। एशियानेट हिंदी न्यूज में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।